फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मोलासिस से इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय द मोलासिस आज हम स्टडी करेंगे। शीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार होता है वो आज हम सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले मोलासिस। अब हमारे दिमाग में बात आती है मोलासिस यानी शीरा क्या होता है, ये मोलासिस होता क्या है, तो सुनिए। शुगर केन जूस से शुगर के क्रिस्टल ऑब्टेन कर लेने के बाद जो डार्क कलर्ड सॉल्यूशन रह जाता है, उस डार्क कलर्ड सॉल्यूशन को हम मोलासिस कहते हैं। ये ब्लैक डार्क कलर्ड जो मोलासिस होता है, इसमें 30% नॉन क्रिस्टलाइन शुगर होता है और 32% इसमें इन्वर्ट शुगर होता है। 32% इन्वर्ट शुगर मीन्स इसमें 50% ग्लूकोस होता है और 50% इसमें फ्रक्टोस होता है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं मोलासिस। तो आज हम इस मोलासिस से इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे और ये मोलासिस हमको कहाँ से मिलता है, शुगर कैन जूस से। हिंदी में सुने, गन्ने के रस से शक्कर के क्रिस्टल पृथक कर लेने के बाद जो काले रंग का गाढ़ा सा चाशनी जैसा जो द्रव रह जाता है उसे हम शीरा कहते हैं। इस शीरे में 30% अक्रिस्टलीय शर्करा होती है और 32% इसमें प्रतीप शर्करा होती है, और इस 32% प्रतीप शर्करा में 50% ग्लूकोस होता है और 50% इसमें फ्रक्टोस होता है। तो ये जो शीरा है इसी से हम आज एथिल अल्कोहल का निर्माण करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब हम मोलासिस से इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं तो इसमें कुछ स्टेप्स होती हैं। जैसे पहली स्टेप्स होती है डाइल्यूजन, सेकंड होता है मिक्सिंग ऑफ अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फॉस्फेट, थर्ड होता है मिक्सिंग ऑफ ईस्ट, फोर्थ होता है एड डाइल्यूट एस्टर्स ऑफ फोर, फिर इसमें होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ पर अभी हम शुरुआत करते हैं, आपको समझ ज़रूर आएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है ये, इसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन टैंक। ये जो फर्मेंटेशन टैंक है इसको हिंदी में कहते हैं किण्वन कक्ष। हम इसमें क्या करते हैं, देखते जाइए आप, कि सबसे पहले हम मोलासिस लेते हैं, शीरा लेते हैं, और उसमें हम इतना वाटर ऐड करते हैं कि उसमें शुगर की जो कंसंट्रेशन है वो 8 से 10% तक रह जाए। ठीक है, यानी इतना डाइल्यूट कर देते हैं हम उसको, किसको, शीरा को, मोलासिस को, कि उसमें उस शुगर की जो कंसंट्रेशन है वो 8 से 10% रहे। ये देखिए लिख देता हूँ मैं, 8 से 10% रहे। तो इस डाइल्यूट मोलासिस को, इस तनु शीरे को हम इस किण्वनीकरण कक्ष में यानी कि फर्मेंटेशन टैंक में डाल देते हैं। फिर इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम 5% ईस्ट को इसमें मिला देते हैं, 5% ईस्ट को इसमें मिला देते हैं, और 5% ईस्ट मिलाने के बाद उसमें हम अमोनियम सल्फेट का कुछ पार्ट इसमें मिला देते हैं, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनियम सल्फेट इज एडेड। हम अमोनियम सल्फेट का स्मॉल अमाउंट इसमें मिला देते हैं, क्योंकि अमोनियम सल्फेट ये जो ईस्ट सेल्स होती हैं, ये जो ईस्ट कोशिकाएं होती हैं, इनके लिए ये फूड का काम करता है। यानी अमोनियम सल्फेट ईस्ट सेल के लिए, ईस्ट कोशिकाओं के लिए भोजन का कार्य करता है, फूड का कार्य करता है। फिर हम क्या करते हैं, इस में हम डाइल्यूट एस्टेसोफोर भी मिला देते हैं। तो ये डाइल्यूट एस्टेसोफोर क्या करता है, जो ईस्ट जो सेल्स होती हैं उनकी ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है, ये जो ईस्ट कोशिकाएं हैं इनमें वृद्धि कर देता है, जिससे कि फर्मेंटेशन प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट हो जाए। अब होता ये है कि इस फर्मेंटेशन टैंक में हम टेम्परेचर रखते हैं 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, सफिशियंट एयर इसके अंदर हम पास करते हैं। तो होता यह है कि इसके अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है।
किण्वनीकरण प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए इसमें होता क्या है वो देखते जाइए। यहाँ पर आपको पता जो शुगर होती है, ये देखिए C12H22O11, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो H2O है इसके साथ इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, इसका जल के साथ जल अपघटन हो जाता है। तो यहाँ पर जो ईस्ट जो सेल होती हैं, ईस्ट कोशिकाएं होती हैं, और उसमें जो इन्वर्टेस जाइमेस हो, इन्वर्टेस ये देखिए इन्वर्टेस और जाइमेस ये एंजाइम होते हैं, लेकिन पहली स्टेप में हम क्या लेते हैं, इन्वर्टेस लेते हैं, क्योंकि ये इन्वर्टेस एंजाइम जो होता है ये हाइड्रोलिसिस करता है इस शुगर का, इस शर्करा का, जिससे क्या होता है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है। आपको पता है C12 है तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए C6 और यहाँ पर C6। अब H12O2 24 हो जाएंगे तो आप यहाँ पर लिखोगे H12 और यहाँ पर H12। अब देखिए O11 और 1O ये 12 ऑक्सीजन हो गए तो आप यहाँ पर लिखोगे O6 और यहाँ पर भी O6। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये बनेगा ग्लूकोज और यहाँ पर बनेगा डियर फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज है। अब आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये देखिए, और फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप होता है, ये होता है। आपने देखा इनका मोलिकुलर फार्मूला सेम है, अणुसूत्र समान है, मगर स्ट्रक्चरल फार्मूला जो संरचना होगी उसमें ये CHO ग्रुप रखेगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा इसमें ग्लूकोज में, और कीटो ग्रुप होगा किसमें, फ्रक्टोज में, बस ठीक है। अब क्या होता है, मैंने बताया आपको कि ईस्ट जो सेल्स होती हैं उसमें जाइमेस भी होता है। तो ये जाइमेस क्या करता है कि यहाँ पर जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है उसको कन्वर्ट कर देता है, किसमें, उसको कन्वर्ट कर देता है इथाइल अल्कोहल में। तो ये देखिए यहाँ पर हम ग्लूकोज, यहाँ पर C6H12O6 है ना, ये आपको पता है यहाँ ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है, कोई भी हो सकता है, लेकिन मेन कंटेंट जो होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, C6H12O6 हमने ले लिया। अब क्या होता है यहाँ पर, आपको पता है कि यह जाइमेस है, ये जाइमेस, और यहाँ पर हम लिख देंगे ईस्ट, ये ईस्ट लिख दिया। तो इस ईस्ट शेल में जो जाइमेस होता है वो इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है, किस में, इथाइल अल्कोहल में। अब देखिए कैसे, C6 है यहाँ पर तो आप यहाँ पर लिख दीजिए C2H5OH, इसके आप दो मोलिक्यूल ले लीजिए, और साथ में आपको पता है क्या निकलेगा, 2CO2 आप यहाँ से बाहर कर दीजिए। अब आप यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि कार्बन C6 तो यहाँ पर 2 2 4 और 2 6, हाइड्रोजन देखो 12, ये 5 2 10 और 2 12, ठीक है, ऑक्सीजन 6, तो 2 1 2 और 2 2 4 6 हो गए। तो इस तरह से आपने देखा कि इस फर्मेंटेशन टैंक में जो इन्वर्टेस एंजाइम होता है पहले वो शुगर को हाइड्रोलिसिस के थ्रू ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है, फिर जो जाइमेस एंजाइम होता है वो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में, सह उत्पाद के रूप में हमको CO2 गैस मिलती रहती है। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात को दिमाग में रखें कि ये देखिए वापस से हम आ गए इस फर्मेंटेशन टैंक में, यानी किण्वनीकरण कक्ष में। इसमें क्या हो रहा है, ये वही प्रोसेस हो रहा है जो कि हमने अभी देखी, दैट इज अ 1 एंड दैट इज अ 2। तो आप देख रहे हैं इसमें लगातार क्या हो रहा है, CO2 गैस निकल रही है। तो ये देखिए CO2 गैस यहाँ पर लगातार निकलती जाएगी, जब तक यहाँ पर CO2 गैस निकलती जाएगी हमें पता चल रहा होता है कि हाँ इस फर्मेंटेशन टैंक में ये फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रही है। लेकिन इस फर्मेंटेशन टैंक में जब इथाइल अल्कोहल की कंसंट्रेशन 10% के आसपास पहुंच जाती है, यानी कि इस फर्मेंटेशन टैंक में, इस किण्वनीकरण कक्ष में जब एथिल अल्कोहल की मात्रा 10% हो जाती है, 10% इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये 10% इथाइल अल्कोहल जो ईस्ट जो एंजाइम है, ईस्ट सेल्स जो होती हैं जिसमें इन्वर्टेस जाइमेस होता है, उसको ये इथाइल अल्कोहल किल कर देता है, उसको ये इथाइल अल्कोहल क्या कर देता है, मार देता है। अब जब आपको पता है जाइमेस इन्वर्टेस ये मर जाते हैं तो क्या होगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं होगी। जब फर्मेंटेशन प्रोसेस बंद हो जाएगी
तो यहां से CO2 गैस का निकलना बंद हो जाएगा। जब CO2 गैस का निकलना यहां बंद हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि इस फर्मेंटेशन टैंक में 10% इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको यहां से निकाल लेते हैं। तो जो हमको यहां पर लिक्विड मिलता है उसको हम डियर बोलते हैं वॉश। ये देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं WASH वॉश। यहां पर जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है ये 2 to 3 days, यानी 2 से 3 दिन में क्या हो जाती है, ये कंप्लीट हो जाती है। यानी किण्वनीकरण प्रक्रिया जो होती है ये 2 से 3 दिन में क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमको क्या मिलता है, वॉश मिलता है। इस वॉश में वाटर तो होता ही है, अदर इम्प्यूरिटी भी होती हैं, जल के साथ अन्य अशुद्धि भी होती है। तो हम इस वॉश को क्या करते हैं कि जो कॉफेज स्टिल होता है, जिसे हम कॉफे का भपका बोलते हैं, उसमें हम इसका डिस्टिलेशन करते हैं, यानी आसवन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे डिस्टिलेशन बाय द स्टिल्स कॉफे, यानी कि कॉफे के भपके द्वारा आसवन। अब डियर स्टूडेंट्स, इस मेथड में होता क्या है वो जरा देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये है आपके सामने, यहां पर डिस्टिलेशन ऑफ वाश बाय कॉफेज स्टिल। ठीक है, देखो सबसे पहले जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं पहले मैं उनको इस डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, फिर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को दूसरे डायग्राम के थ्रू जिसमें हिंदी में लेबल्ड होगा, है ना, हिंदी में नामांकित होगा, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉफेज स्टिल है इसमें ये दो जो आपको नजर आ रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम। ये टॉल 2 फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम होते हैं, यानी ये जो फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम होते हैं ये आपस में क्या रहते हैं, ये लिंक रहते हैं। ठीक है, पहले वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एनालाइजर, दूसरे को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर जो है वो लिंक होता है किससे, कंडेंसर से। ठीक है, अब डियर देखिए यहां पर क्या होता है, सबसे पहले हम यहां पर ये जो स्टीम है इस स्टीम को हम यहां से क्या करते हैं, पास करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, स्टीम को पास किधर कर रहे हैं हम, इसके अंदर। इन द सेम वे हम जो वॉश होती है उसको हम इंटर कर रहे हैं किधर, इधर। ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये देखिए स्टीम किधर जा रहा है, स्टीम डियर इस तरफ, यानी अंदर इंटर कर रहा है, और वॉश कहां जा रहा है डियर, इसके जस्ट अंदर। ये देखिए है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो कॉफेज स्टील है ये काउंटर करंट प्रिंसिपल पर वर्क करता है, काउंटर करंट प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि हम स्टीम को इधर भेजते हैं और वॉश को जस्ट इसके अपोजिट। अब देखिए ये जो आपको स्पाइरल ट्यूब नजर आ रहा है, ये देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वॉश को देखिए डियर आपने कहां भेजा, ये देखिए वॉश, देखते जाइए ये स्पाइरल जो आपको यहां पर ट्यूब नजर आ रहा है, इस स्पाइरल ट्यूब से हम वॉश को भेज रहे हैं। ये देखिए, ये देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, ये देखिए यहां पर, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए यहां पर, आप यहां पर गिरा रहे हो इस वॉश को। अब हो ये रहा है कि यहां से आपने स्टीम को भेजा, तो स्टीम क्या होती है कि ये स्टीम जो है, ये स्टीम समझना जरा ध्यान से, ये जो स्टीम होती है ये स्टीम क्या करती है कि ऊपर से यहां से, यहां से जाती है ये स्टीम, यहां जाती है, यहां जाती है, यहां जाती है, और ये जो स्पाइरल ट्यूब है इसको हॉट करती है, और फिर वो स्टीम वाटर बन के यहां पर नीचे डिपॉजिट हो जाती है। तो अब चलो शुरू करते हैं। देखिए जब हम यहां से वाटर की जो स्टीम होती है जो कि हॉट होती है इसको हम अंदर इंटर करते हैं, इधर से वॉश जो कि कोल्ड होती है जब इसको हम अंदर भेजते हैं, तो यहां आकर के जो वॉश होती है वो हॉट हो जाती है, यानी गर्म हो जाती है। हॉट होने के बाद क्या होता है कि ये जो वॉश होती है इसको इस एनालाइजर में हम धीरे धीरे नीचे की तरफ क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं नीचे की नीचे, यहां पर धीरे धीरे क्या करते हैं, इसको नीचे गिराते हैं। ठीक है, अब जब यहां पर नीचे गिराते हैं तो क्या होता है कि ये जो हॉट वॉश है ये इस स्टीम के साथ
अब ये ऊपर की तरफ जाती है, किधर डियर, ये देखिए, ये यहाँ से जाएगी, ये देखिए यहाँ लिखा भी है स्टीम प्लस एल्कोहल वेपर्स, क्योंकि आपको पता है इस हॉट जो वॉश होता है इसमें एल्कोहल, वाटर एंड अदर इम्प्यूरिटीज होती हैं। तो जो एल्कोहल है ठीक है, वो क्या होती है, उसकी वेपर्स इस स्टीम के साथ ऊपर की तरफ चली जाती है ठीक है, और बाकी जो अदर इम्प्यूरिटीज होती हैं वो स्टीम के साथ ऊपर नहीं जा पाती हैं, वो सब ये यहाँ पर डिपॉजिट हो जाती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेंट लिक्वायर ठीक डियर। अब यहाँ ऊपर देखिए क्या है, स्टीम एंड एल्कोहल वेपर्स हैं, इसको हम यहाँ लेकर के आते हैं। आपको पता है स्टीम हॉट, एल्कोहल वेपर्स ये भी हॉट, जब दोनों को हम लेकर के आते हैं यहाँ पर किसमें, रेक्टिफायर में, तो यहाँ देखिए यहाँ पर अब यहाँ से ऑलरेडी वॉश आ रही है ठंडी ठंडी यानी कोल्ड वॉश, अब जब ये हॉट स्टीम एंड एल्कोहल की वेपर्स आएंगी यहाँ पर तो इस स्पाइरल ट्यूब को हॉट कर देंगी, गर्म कर देंगी, जिससे जो कोल्ड वॉश होती है वो हॉट वॉश में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको पता है स्टीम और यहाँ पर एल्कोहल वेपर्स होती हैं, जब इस रेक्टिफायर में आती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो होता ये है कि यहाँ पर जो स्टीम होती है वो धीरे धीरे कूल होकर के वाटर में कन्वर्ट होना शुरू कर देती है, लेकिन अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड है जो कि वाटर से बहुत कम होता है, इसलिए ये अल्कोहल की वेपर्स ऊपर की तरफ जाती है, ये देखिए ऊपर की तरफ जा रही है, और फिर इसको कंडेंसर से हम क्या करते हैं, कूल करते हैं ठीक है, और इस तरह से हमको यहाँ पर 90% हमको अल्कोहल ऑब्टेन हो जाता है ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमको मोलासिस से इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हमने किया। अभी मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट को बताऊं, फिर मैं आपके पास आता हूं, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम थोड़ा चेंज हो जाएगा, अब हिंदी में ही आएगा। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि हमने पहले वॉश को प्राप्त किया था, लेकिन अब आपको ध्यान देने की आवश्यकता यहां पर यह है कि देखिए ये कॉफे का भपका है और इस कॉफे के भपके में ये दो लंबे लंबे आपको जो प्रभाजक स्तंभ नजर आ रहे हैं, इसमें पहला प्रभाजक स्तंभ होता है विश्लेषक और दूसरा होता है परिशोधक ठीक है। इस विश्लेषक में हम क्या करते हैं, पानी की जो गर्म भाप होती है उसको अंदर भेजते हैं। देखिए डियर यहां से भेज रहे हैं, ये देखिए भेज रहे हैं यहां से, फिर ये भाप क्या होती है ऊपर से जाती है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, फिर यहां आई यहां आई यहां आई और फिर कहां आ गई डियर, परिशोधक में आ गई यहां पर। अब आपने जो ठंडी ठंडी वॉश होती है जिसमें अल्कोहल की मात्रा उपस्थित होती है, ये वॉश क्या करेगी, इस सर्पिलाकार नली में जब आती है तो भाप द्वारा वो गर्म हो जाती है, जब गर्म हो जाएगी तो इसे हम कहाँ ले जाएंगे, विश्लेषक में ले जाएंगे, और विश्लेषक में जब ये धीरे कर करके नीचे की तरफ गिरती है तो पानी की भाप क्या करती है, इसको अपने द्वारा ऊपर की ओर लेके जाती है, कहाँ पर, ये देखिए H2O की वाष्प और इथाइल अल्कोहल की वाष्प, ये दोनों ही गर्म वाष्प आती है कहां पर, इस परिशोधक में आ रही है, ये देखिए यहां पर आ गई। जब यहां आती है तो आपको पता है ठंडी ठंडी वॉश जो कि इस सर्पिलाकार नली में आ रही है उसको ये गर्म करती जाएंगी। अब यहां पर ये समझने की आवश्यकता है कि जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो एल्कोहल की जो वाष्प होती है वो द्रवित नहीं होती है, वो अभी भी गैसीय अवस्था में ही रहती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, लेकिन जो भाप होती है वो यहां आकर ठंडी हो जाती है, द्रवित हो जाती है, और द्रवित होकर के हम उसे यहां पर प्राप्त कर लेते हैं। अब जो एल्कोहल की वाष्प है, इस एल्कोहल की वाष्प को हम संघनित द्वारा ठंडा करते हैं जिससे हमको यहां पर एल्कोहल 90% तक प्राप्त होता है। तो देखा आपने, शीरे से आपने एथिल एल्कोहल का निर्माण कर लिया है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेथड आपने पढ़ी है, इस मेथड में हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि हम चाहें तो अपने घर पर भी है ना वाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, हम चाहें तो अपने घर पर भी शराब बना सकते हैं। देखिए मैं आपको शराब बनाना सिखाता हूँ, वाइन बनाना सिखाता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सबसे पहले एक मटका लेना है ठीक है, उस मटके में यू नो पानी भरने वाला मटका,
तो जो मटका होता है उस मटके में जो गन्ने का रस होता है उस गन्ने के रस को आप डाल दो, ठीक है। फिर जितना आपने गन्ने का रस डाला है उससे 1/4 उसमें वाटर मिला दो, पानी, यू नो। उसके बाद मार्केट में ईस्ट मिलता है, वो ईस्ट आप उसमें डाल दो और उसके ऊपर का ढक्कन जो है वो बंद कर दो। बंद करने के बाद कहीं पर भी जमीन में गड्ढा खोदो और खोद करके उस मटके को डाल दो, पूरा कवर कर दो, ऊपर मिट्टी से कवर कर दो, ठीक है, है ना। उसके बाद आप उसको 3 दिन बाद आप निकालिए, ये अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए ये जितने भी कच्ची शराब बनाते हैं या जो भी वाइन बनती है वो इसी तरह से बनती है। तो देखिए यहाँ पर आपको बना के पीना नहीं है, ठीक है, ये तो सिर्फ एक मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन दी थी आपको, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, थैंक यू।